हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायो सेवर्ट लॉ। पिछले टॉपिक्स में, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ऑस्टेंड ने बताया था कि व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर, ए मैग्नेटिक फील्ड डेवलप अराउंड इट, द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ सिलेंड्रिकल सिमेट्री एंड इट्स स्ट्रेंथ इज मोर नियर द वायर एंड इट इज वीकर एज वी गो अवे फ्रॉम द वायर। The direction of this magnetic field was given by right hand thumb rule. But इससे हमें ये तो पता चल रहा था कि वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड वीक है या स्ट्रॉन्ग है, बट कितना वीक कितना स्ट्रॉन्ग, वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जीन बेप्टाइज बायोट एंड फेलिक्स सेवर्ट, दीज वर टू डिफरेंट साइंटिस्ट। समटाइम्स ये कंफ्यूजन होता है, जीन हम कहते हैं बायो सेवर्ट लो, तो ऐसा लगता है कि बायो सेवर्ट एक ही आदमी था, बट नो, जीन बेप्टाइज बायोट अलग साइंटिस्ट थे एंड फेलिक्स सेवर्ट अलग साइंटिस्ट थे। दोनों ने टुगेदर काम किया, कंबाइंडली काम किया, और उन्होंने ओस्टेड एक्सपेरिमेंट को एक स्टेप आगे बढ़ाया और दे प्रपाउंड ए लॉ, बायो सेवर्ट लॉ, विच इज यूज टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर या एक करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, बट कितना, इसका मैग्नीट्यूड बताया जीन बेप्टाइज बायोट एंड फेलिक्स सेवर्ट ने यूजिंग बायो सेवर्ट लॉ। लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग। वी हैव अज्यूम्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर विच इज कैरिंग करंट आई। हमने एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर लिया है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। वी हैव सेलेक्टेड ए वेरी स्मॉल लेंथ सेगमेंट ऑफ दिस वायर ए बी हूज लेंथ इज डी एल। दिस लेंथ आई एम अज्यूमिंग डी एल, डी एल लेंथ का एक छोटा सा लेंथ सेगमेंट लिया। This length segment is called current element. We have selected an observation point P, जिसके distance इस current element से R है। और अगर मैं current element की length dl और इसकी radius R की बात करूं, तो इन दोनों के बीच में एक angle theta भी काम कर रहा है। तो बायो सेवर्ट लॉ ने मैं बहुत सारी observations लिए, और observation के बाद उन्होंने क्या पाया कि magnetic field at point P because of a very small element of length dl, dv depends upon the following factors. ये जो magnetic field यहाँ पर develop हो रहा है, चार factor पे depend करता है। पहला factor है magnitude of current, कितना strong current इस wire पे flow कर रहा है, वो decide करेगा इसके around कितना strong magnetic field होगा, means dv is directly proportional to I. First question comes in my mind that why dv? Because we are calling the whole magnetic field as B, but the magnetic field of a small segment of length dl is called small magnetic field, yani dB. So dB is a small magnetic field. Now this dB, jo magnetic field maine lena hai is point P par, this depends upon the length of the segment. Kitna badi length ka segment liya, yani length of the current element AB decides dB. So dB is directly proportional to dl. More length, more magnetic field, less length, less magnetic field. Third factor, this was the distance from P, of P from AB. ये point P AB wire के current element से कितना दूर है? जितना ज्यादा दूर होगा, मैंने कहा था कि as we go away from the wire, magnetic field decreases. And this decrease obeys inverse square law, so dB is directly proportional to 1 by 4, R square. अगर मैं एक और सेगमेंट देखूं, तो एक सेगमेंट और है, और वो है एंगल, एंगल बिटवीन डीबी, एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। दिस इज साइन ऑफ द एंगल, हम यहां पर साइन की कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर फील्ड है, मैंने बताया था एक्सियल वेक्टर है, तो साइन यहां पर लिया जाता है। डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अगर इन चार इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 को मैं कंबाइन कर दूं, तो मेरे पास एक कंबाइंड इक्वेशन बनता है, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल sin theta by r square। अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में ओपन करता हूं, तो आई हैव टू अज्यूम सम कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट कम्स μ0 / 4 by आइडियल sin theta by r square। तो ये स्केलर फॉर्म में बायो सेवर्ट लॉ हमने लिख लिया। बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्मॉल एलिमेंट इज इक्वल टू μ0 / 4 by, ये कांस्टेंट है, वी विल डिस्कस इट सेपरेटली, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आया है इसमें,
स्केलर फॉर्म, बट क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी तो इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में वेक्टर dv इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और हमें पता है ab साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ जाता है, तो आई डी एल साइन थीटा अपॉन यानी dl और r, इसमें जो जो इस क्वांटिटी में यहां पर देखें साइन थीटा स्केलर क्वांटिटी है, करंट स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ l और r दो हैं, तो dl क्रॉस r, अगर मैं ऊपर एक r क्रिएट कर रहा हूं तो एक r नीचे भी देना पड़ेगा, तो वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर r डिवाइडेड बाई आर क्यूब, तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। तो एक नंबर का क्वेश्चन आता है राइट बायो सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म इज डीएल क्रॉस आर, ध्यान रखें डीएल क्रॉस आर ना कि आर क्रॉस डीएल। नाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड वी हैव अज्यूम्ड, अब इससे पहले मैं बात करता हूं ये जो हमारे पास म्यू 0 अपॉन 4 पाई आया था ये कॉन्स्टेंट क्या है, म्यू 0.4 पाई इज ए कॉन्स्टेंट, म्यू 0 को हम कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड 4 पाई आप जानते ही हैं, अगर मैं इसकी कंबाइंड वैल्यू देखूं तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई इक्वल्स टू होता है 10 रेज टू द पावर माइनस 7 टी एम ए इनवर्स टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट है। अगर मैं ये है एसआई वैल्यू, अगर मैं इसको सीजीएस में देखता हूं तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई बिकम्स इक्वल टू 1 गोस सेंटीमीटर स्टेट एम्पियर इनवर्स, ये इसका एसआई और सीजीएस वैल्यूज मैंने लिखे हैं। इंपॉर्टेंट चीज, इन मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज एसआई वैल्यू इज ग्रेटर एंड सीजीएस वैल्यू इज स्मॉलर, बट इन केस ऑफ म्यू 0.4 पाई सीजीएस वैल्यू इज ग्रेटर एसआई वैल्यू इज स्मॉलर। नाउ डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो गिवन बाय आरएचटीआर, तो डायरेक्शन कैसे मिलेगी मुझे इस मैग्नेटिक फील्ड की, डायरेक्शन अगर मैं डीवी की डिसाइड करता हूं तो किससे मिलेगी मुझे, आरएचटीआर राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल हमें इसकी डायरेक्शन देगा। कंपैरिजन बिटवीन बायो सेवर्ट लॉ एंड कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ और बायो सेवर्ट लॉ के बीच में कंपैरिजन क्या है, पहली चीज याद रखें कि जब दो क्वांटिटी में कुछ सिमिलैरिटी होती तभी उनके बीच में कोई कंपैरिजन एस्टेब्लिश होता है, यानी अगर दो फील्ड्स या दो क्वांटिटी के बीच में सिमिलैरिटी नहीं है तो हम उनको कंपेयर नहीं करते, बट अगर कुछ सिमिलैरिटी होती है तो हम उनको कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी, दोनों लॉ के बीच में सिमिलैरिटी पॉइंट्स क्या है। सबसे पहली बात, बोथ द लॉ ओरिजिनेट फ्रॉम द चार्ज, अगर हम कूलम्स लॉ की बात करें तो कूलम्स लॉ कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² यानी चार्ज है यहां पर। अगर मैं बायो सेवर्ट लॉ की बात करूं तो ये कहता है dv इक्वल टू म्यू 0.4 पाई idl अपॉन r² i, करंट, करंट इज नथिंग बट मूविंग चार्ज, यानी दोनों ही लॉ के पीछे चार्ज है, एक में मूविंग चार्ज और दूसरे में स्टैटिक चार्ज, तो बोथ द लॉ ओरिजिनेट फ्रॉम द चार्ज। दूसरी चीज, दोनों ही लॉ में इनवर्स स्क्वायर फॉलो होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे होता है, तो बोथ द लॉ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, एंड मोर ओवर बोथ द फील्ड्स दे आर प्रोड्यूसिंग, वन इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अदर इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, बट बोथ द फील्ड्स आर लॉन्ग रेंज फील्ड्स, दोनों ही फील्ड लंबे डिस्टेंस तक एग्जिस्ट करते हैं, लॉन्ग रेंज फील्ड होते हैं, तो दीज आर द सिमिलैरिटीज, hence we can say these two laws are comparable. Now what are the point of difference, inke difference points kya hai, points of difference, sabse pehle coulomb's law ko study karenge, us tarah hum dekhenge bio savart law, coulomb's law kehta hai it gives electric field, coulomb's law electric field deta hai jabki bio savart law mein magnetic field deta hai, dono mein pehla difference yahi hai, dusra difference it depends upon the static charge, maine abhi bhi bataya aapko कि एक स्टैटिक चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज मूव नहीं कर रहा होता तब इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, बट बायो सेवर्ट लॉ करंट पे डिपेंड करता है, और करंट इज नथिंग बट मूविंग चार्ज पर यूनिट टाइम, तो चार्ज है लेकिन यहां मूविंग चार्ज है, तो इट डिपेंड्स अपॉन मूविंग चार्ज। तीसरा डिफरेंस यहां पर है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एंगल, अगर मैं इस फॉर्मूले में देखूं तो मुझे कहीं कोई एंगल का प्रेजेंस नहीं दिखता है, बट वेन आई कम टू बायो सेवर्ट लॉ तो म्यू 0.4 पाई आईडीएल साइन थीटा, दिस साइन थीटा इज द डिपेंडिंग एंगल, तो बायो सेवर्ट लॉ एंगल डिपेंडेंट है।
और साथ साथ अगर मैं यहां पर एक और चीज कहूं कि ये पोलर वेक्टर देता है, ये वेक्टर हमारे पास पोलर है और ये वाला हमारा एक्सियल वेक्टर है, एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि डिपेंड्स अपॉन परमिटिविटी, क्योंकि अगर मैं इसमें देखूं तो ये मेरे पास है परमिटिविटी, ये परमिटिविटी आता है, बट अगर मैं बायोसेवर्ट लॉ की बात करूं तो ये परमिएबिलिटी पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है किस पर, परमिएबिलिटी पर। तो बायोसेवर्ट लॉ और कूलम्स लॉ बोथ आर कंपेरेबल। हम एक नए टॉपिक पर आते हैं, रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एंड सी। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, और सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें पता है। तो एक बार हम इसको फिर देख लेते हैं इनके बीच में क्या रिलेशन बनता है। एक छोटा सा मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कॉम्पिटिशन में अक्सर पूछा जाता है। हमें पता है अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो 1/4 बिकम्स इक्वल टू 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का। हमें अभी भी पता बायो सेवर्ट लॉ से चला है कि μ0/4 = 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। If I divide equation 1/2, then what I get? 1/4 ε₀ / μ₀/4 becomes equal to 9×10⁻⁹ / 10⁻⁹. अगर मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूं तो मेरे पास अगर 9×10⁻⁶ जो कि 7 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 9+7 = 16, तो 9×10⁻⁶. अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखूं तो 4π से 4π कैंसिल हो रहा है और μ₀ε₀ एक ब्रैकेट में आते हैं, एक साथ आ जाते हैं। तो 1/μ₀ε₀ becomes equal to 3×10⁸ का स्क्वायर बनता 9×10⁻⁶. और अगर 3×10⁸ की मैं बात करूं तो इट इज कॉल्ड c, तो I can write 3×10⁸ स्क्वायर equals to c स्क्वायर। Here c is speed of light in vacuum। अगर मैं इस रिलेशन से देखो तो 1/μ₀ε₀ becomes equal to c स्क्वायर, यानी एग्जैक्ट रिलेशन कम्स 1/4 ε₀ within square root becomes equal to c। This is the relation between mu naught, epsilon naught, and c. This question comes in competitive exams quite often, and it will be very important when you study electromagnetic wave. Application of Bio-Savart law. Bio-Savart law ke application. Bio-Savart law ke 3 application hai. Pehla application hai magnetic field at a point due to an infinitely long current carrying wire. ये इसका पहला एप्लीकेशन है। नाउ लेट अस फर्स्ट मेक अ फिगर, लेट अस मेक अ वायर एक्स वाई ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर एक्स वाई बनाया, इस वायर की लेंथ पर मैंने एक छोटा सा करंट एलिमेंट ए बी अज्यूम कर लिया है जिसका लेंथ डीएल है। इस करंट एलिमेंट से आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी, जिस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड डीबी होगा बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट। अगर इस पॉइंट पी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस में वायर से देखता हूं तो दैट कम्स एक्स, ये सी पी जो है मेरे पास एक्स है। अगर सी से इस करंट एलिमेंट ए बी का सेंटर पॉइंट ओ अगर मैं मान लेता हूं तो ओ सी मेरे पास जो आता है वो लेंथ है एल। अगर मैं बायो सेवर्ट लॉ अप्लाई करता हूं तो अप्लाइंग बायो सेवर्ट लॉ मेरे पास मैंने अपनी तरफ से आर्बिट्रेरी एंगल फाई मान लिया जो सीपी और ओ पी के बीच में काम कर रहे हैं। नाउ बायो सेवर्ट लॉ μ0/4π आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि मुझे छोटे से करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द होल वायर एक्स वाई, और इसके लिए मुझे करना होगा इंटीग्रेशन। बट इंटीग्रेशन करने के लिए मेरे पास कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए, एक से ज्यादा वेरिएबल मेरे इंटीग्रेशन को डिफिकल्ट बनाने वाले हैं, तो दैट्स द डिफिकल्टी। सबसे पहले हम जो इक्वेशन वन में जो भी वेरिएबल क्वांटिटीज हैं उन सबको रिजोल्व करके कॉन्स्टेंट बनाएंगे, सिर्फ एक वेरिएबल छोड़ेंगे। तो वन वेरिएबल इक्वेशन में इसको मैं कन्वर्ट करने वाला हूं। सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर आई डी एल ये वेरिएबल है, साइन थीटा भी वेरी करेगा, आर भी वेरी करेगा। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल ओ सी पी ओ पी सी इसको स्टडी कर रहा हूं, ट्राइंगल ओ पी सी में सबसे पहले साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा एक राइट ट्राइंगल है मेरे पास, राइट ट्राइंगल में एक्स अपॉन आर
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा एक्स अपॉन आर है, बट अगर मैं देखूं तो सेम ट्राइंगल में ये कोस फाई बनता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कोस फाई, साइन थीटा कोस फाई के इक्वल हो गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड का, इसी से मुझे पता चल रहा है x अपॉन r इक्वल टू कोस फाई, तो r को मैं कन्वर्ट कर लेता हूं x अपॉन कोस फाई, x कांस्टेंट है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो यहां पर है ये फिक्स रहेगी, ये बदलेगी नहीं, तो r बिकम्स इक्वल टू x sec फाई। अब हम बात करते हैं इस dl का क्या करें, dl का कुछ करने के लिए सबसे पहले मैं देखता हूं tan ऑफ दिस एंगल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan phi इक्वल टू l अपॉन x और l बिकम्स इक्वल टू x tan phi, x tan phi। अगर इस बट मुझे l नहीं मुझे dl चाहिए था, इसका डिफरेंशिएशन मैं कर लेता हूं डिफरेंशिएटिंग, तो l का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dl, x क्योंकि कांस्टेंट है एज इट इज बना रहेगा, और tan phi, tan phi मेरे पास आएगा, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स, तो x का एक बार एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसको एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन, क्योंकि x कांस्टेंट है तो x का डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, तो हम मैं कहूंगा x और tan phi का डिफरेंशिएशन होता है sec square phi d phi। तो यहां पर मैंने इक्वेशन नंबर 4 बना लिया। अब इक्वेशन 1 2 3 4 को अगर मैं कंबाइन करता हूं और इक्वेशन 1 में सारी वैल्यूज पुट करता हूं, तो dv इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 pi i, यहां पर मेरे पास एज इट इज रहेगा, i को मुझे टच नहीं करना है, dl की जगह x sec square phi d phi जो मेरे पास यहां पर था इस वैल्यू को रख दिया, sin थीटा की जगह मैं cos phi रख देता हूं। अब बचा मेरे पास r स्क्वायर, r की वैल्यू मेरे पास थी x sec phi, तो x स्क्वायर sec स्क्वायर phi, sec स्क्वायर phi से sec स्क्वायर phi कैंसिल हो जाएंगे, x की एक पावर से x की एक पावर कैंसिल हो जाएंगी, और मेरे पास बचेगा dv = μ0 / 4 pi i / x * cos phi d phi, इक्वेशन नंबर 5। अगर मैं इक्वेशन 5 को देखता हूं तो इक्वेशन 5 में मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है phi, ना तो i बदलता है ना x बदलता है और ना ही इसमें बदलेगा μ0 / 4 pi, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही फैक्टर बदलेगा और वो है फाई, एक ही वैल्यू बदलेगी वो है फाई की वैल्यू, तो इसी का इंटीग्रेशन मुझे करना है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होल वायर एक्स वाई, पूरे वायर एक्स वाई का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना आने वाला है, एक्स वाई को मैं पूरे ऑब्जर्वेशन पॉइंट के टच में इस तरह से करता हूं कि यहां से अगर मैं इसका फुल एंगल बनाऊं, उसको मैंने माना माइनस पाई वन, यानी एंड वाई जो इनफाइनाइट एंड पे था वहां से इस वायर का जो एंगल है फाई वन मैंने माना, और इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का ऊपर की तरफ से जो एंगल बनता है वो फाई टू बनता है, ये एंगल मेरे पास फाई टू बन जाता है। तो दोनों वायर के दोनों एंड को, वायर के दोनों एंड के बीच में मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो बी इक्वल्स टू म्यू जीरो माइनस फाई वन से प्लस फाई टू, क्योंकि ये अगर हम देखें तो एक डायरेक्शन नेगेटिव और दूसरी डायरेक्शन पॉजिटिव ली जाएगी ऑफ डीबी, डिफरेंशिएशन मुझे इसका करना है, dv की वैल्यू मैंने रख दी μ0 / 4 pi i / x cos phi d phi, और जब मैं देखता हूं तो जो वैल्यूज कांस्टेंट होती है उसको उठा के हम इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं, और इंटीग्रेशन होगा सिर्फ cos phi d phi का, cos phi का इंटीग्रेशन होता है sin phi, यहां पर मैंने लिखा sin phi - phi 1 से phi 2, और अगर मैं वैल्यूज रखता हूं sin phi 2 - sin - phi 1 और माइनस फाइव वन, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल वैल्यू, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, इसका मतलब क्या होगा, हम कह सकते हैं कि b इक्वल्स टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई अपॉन एक्स साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, ये मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला आ जाता है जो किसी भी लेंथ के वायर के लिए मैं इसको यूज कर सकता हूं, इसी से मुझे अलग अलग केसेस ड्राइव करने। अब मैं सबसे पहले स्पेशल केस लेता हूं, इसके स्पेशल केस व्हेन वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ देन phi 1 इक्वल्स टू 90 होगा, आल्सो phi 2 बिकम्स इक्वल टू 90, क्योंकि जब मैं इनफाइनाइट लेंथ की वायर की बात करता हूं तो उस केस में दोनों ही एंगल 90 आने वाले हैं, और यहां से मेरे पास फॉर्मूला था b इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 pi i अपॉन x into sin 90 फाइव वन की जगह प्लस साइन 90 फाइव टू की जगह, और मैं कह सकता हूं बी इक्वल्स टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई इंटू आई अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा मेरे पास टू, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू वन होती है, साइन 90 की वैल्यू वन होती है, तो बी इक्वल्स टू आएगा
म्यू जीरो अपॉन टू पाई इंटू आई अपॉन एक्स, यही है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इसमें एक चीज और है, एंड पी इज इन द मिडल। अगर ये बीच में है, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट मेरा बीच में है, तो मेरे पास ये आने वाला है, वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड पी इज वेरी क्लोज टू आइदर एंड। कोई से एंड के बहुत क्लोज है हमारा पॉइंट पी, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सपोज पहले पॉइंट के आसपास है, पहले एक्स एंड के पास है, तो फाइव वन बिकम्स इक्वल टू जीरो, बट फाइव टू रिमेन्स 90, फाइव टू 90 बना रहेगा। ऐसे केस में मैं कहूंगा पी एंड, किसी एंड पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं, तो बी बिकम्स इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई इंटू आई अपॉन एक्स साइन फाइव वन की जगह साइन जीरो प्लस साइन 90, और बी एंड बिकम्स इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई इंटू आई अपॉन एक्स। ये है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए वायर व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज क्लोज टू आइदर एंड ऑफ द वायर, कोई से एक वायर के एंड के पास है। इस नंबर थ्री वेरी इंपॉर्टेंट केस, व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर। एक्सिस ऑफ वायर का मतलब है कि लाइन ऑफ वायर में कहीं इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, पॉइंट यहां भी हो सकता है, यानी इस वायर के लाइन पर कहीं भी है, इन द एक्सिस ऑफ वायर अगर ये है, तो उस केस में phi1 भी जीरो होगा, phi2 भी जीरो होगा, और अगर मैं अपने फॉर्मूले b इक्वल्स टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई अपॉन एक्स साइन phi1 प्लस साइन phi2 की बात करूं, तो ये दोनों ही वैल्यू जीरो हो जाएंगी, जीरो जीरो, और क्योंकि यहां पर मेरे पास x भी जीरो आने वाला है, तो इस पर्टिकुलर केस में b बिकम्स इक्वल टू जीरो, यानी वायर की लाइन में अगर मेरा पॉइंट है, तो दोनों की वैल्यू जीरो आएंगी, और जीरो 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 मल्टीप्लाई होने के बाद यहां पर मेरे पास नेट वैल्यू कम्स जीरो। तो दिस वे वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स जीरो व्हेन पॉइंट लाइज इन द एक्सिस ऑफ वायर। नाउ वी कम टू द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप और ए करंट लूप। एक सर्कुलर करंट लूप मेरे पास है जिसके सेंटर पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लेना है। मैंने मान लिया एक आर रेडियस का लूप है जिसका रेडियस मैंने कैपिटल आर लिया। इस लूप के ऊपर मैंने एक छोटा सा करंट एलिमेंट मान लिया ए बी जिसका लेंथ मैंने लिया है डीएल, राइट। अब मुझे इसकी वजह से यहां इस पॉइंट पर, और मैंने मान लिया इस लूप में एक एंटी क्लॉकवाइज करंट आई फ्लो कर रहा है, तो सबसे पहले लेंथ ए बी और ये मेरे पास, ध्यान रखिए इस बार रेडियस और सर्कमफेरेंस दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का होगा, तो फ्रॉम बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट लॉ से कहते हैं म्यू डी बी इक्वल्स टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में कन्वर्ट करूं तो म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर, इस बार क्योंकि डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की एलिमेंट से कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ लूप के इक्वल है, तो कैपिटल आर स्क्वायर, डीएल एक बार फिर एज इट इज डीएल ही रहेगा, और ये साइन थीटा क्योंकि ये थीटा 90 डिग्री है, तो ये बन जाएगा साइन 90, तो व्हाट रिमेन्स विद मी डीबी बिकम्स इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एल साइन 91 हो जाएगा। हमें पता है आई कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड
एट द सेंटर ऑफ लूप बी इक्वल्स टू ओवर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, क्योंकि जहां बी इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एल, क्योंकि आई अपॉन आर स्क्वायर म्यू जीरो अपॉन फोर पाई सारा कॉन्स्टेंट है, आउट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा और आई अपॉन आर स्क्वायर ये पी की वैल्यू आ रही है और क्लोज इंटीग्रेशन किसका डीएल का, क्योंकि डीएल का क्लोज इंटीग्रेशन एक रिंग के ऊपर अगर हम देखते हैं तो आता है इक्वल टू द सर्कमफेरेंस यानी टू पाई आर, तो बी इज कॉल्ड म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू टू पाई आर, क्योंकि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इक्वल टू टू पाई आर होगा फॉर ए रिंग, किसी भी रिंग के लिए, और b इक्वल्स टू आता है म्यू जीरो अपॉन फोर पाई, ये टू पाई से फोर पाई कटेगा, म्यू जीरो अपॉन टू इंटू आई अपॉन कैपिटल आर, यही है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, इस सेंटर के लूप पर। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं अगर लूप हाफ होता, इफ लूप इज हाफ तब क्या होता, हम यहां पर करते d इक्वल्स टू म्यू जीरो अपॉन फोर आर फोर इंटू आई अपॉन आर, ये भी हाफ हो जाता। कैसे, क्योंकि हम यहां पर टू पाई आर की जगह फिर लेते सिर्फ पाई आर, और पाई आर की जगह यानी हम इसको जब लूप की लेंथ अगर मैं यहां पर आर की लेंथ ले लेता हूं तो फिर ये 2 पाई आर अकॉर्डिंगली उस लेंथ के अकॉर्डिंग जाएगा, यानी एल अपॉन आर यहां पर आएगा। तो दिस वे हाफ लेंथ के लूप के लिए अगर हाफ आर है मेरे पास तो मैं कहूंगा म्यू जीरो बाई फोर इंटू आई अपॉन आर। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लूप वेदर फुल लेंथ और हाफ लेंथ। नाउ थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू ए सर्कुलर करंट लूप। एक सर्कुलर करंट लूप के से किसी मैग्नेटिक किसी एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हमने मान लिया एक आर कैपिटल आर रेडियस का सर्कुलर लूप है जिसकी एक्सिस पर सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट मैंने पी माना है। यहां पर ध्यान से देखेंगे, हम इस वायर की लेंथ के ऊपर दो करंट एलिमेंट ले लेते हैं ए बी एंड ए डैश बी डैश, दोनों एक दूसरे के काउंटर है, बिल्कुल अपोजिट मैग्नेटिक करंट एलिमेंट यहां पर मैंने लिए हैं। एक का सेंटर सी और दूसरे का सेंटर सी डैश, सी से पी तक का डिस्टेंस आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, जबकि सी डैश से पी तक का डिस्टेंस भी आर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, यानी दोनों बिल्कुल एकदम सिमिलर है। अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू काउंटर करंट एलिमेंट ए बी एंड ए डैश बी डैश, तो डी बी इक्वल्स टू आता है म्यू जीरो पॉइंट फोर पाई आई डी एल साइन 90। याद रखें कि ये किसी भी वायर के लिए 90 डिग्री होगा अगर सर्कुलर लूप की एक्सिस की मैं बात करता हूं, 90 डिग्री का एंगल आने वाला है, बट ये मैग्नेटिक फील्ड सी की लाइन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मैं काउंटर एलिमेंट ए डैश बी डैश का मैग्नेटिक फील्ड देखू तो ए बी इक्वल्स टू आता है म्यू जीरो पॉइंट फोर पाई आई डी एल साइन 90 बाय आर स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर टू होगा सी डैश पी के इसके। अगर मैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड कर लूं यानी साइन 90 की वैल्यू 1 रख लूं और डायरेक्शन को साइड कर दूं तो मेरे पास डी बी और डी बी डैश दोनों इक्वल आते हैं म्यू जीरो पॉइंट फोर पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 कहा। दोनों मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है बट दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। दैट्स व्हाई टू मेक देम एडेबल और सब्ट्रैक्टेबल हम इनको पहले रिजोल्व कर लेते हैं। तो रिजोल्विंग डीबी एंड डीबी डैश इनटू कंपोनेंट्स, दो तरह के कंपोनेंट यहां पर मुझे मिलेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट डीबी कॉस पाई और डीबी डैश कॉस पाई नीचे वाले का, दोनों एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि डीबी और डीबी डैश इक्वल है, cos phi दोनों के इसमें इक्वल है तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के डीबी sin phi
और डी बी डैश साइन फाई दोनों एक डायरेक्शन में है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जुड़ जाते हैं, बट क्योंकि मैंने पूरी लेंथ पर सिर्फ दो ही माने थे, ऐसे लाखों हजारों कंपोनेंट्स मेरे पास हो सकते हैं ऑन द होल लेंथ ऑफ वायर. सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय बी इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन फाई और बी इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी बी. डी बी की वैल्यू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर और साइन फाई अगर मैं देखता हूं साइन फाई आर अपॉन आर कैपिटल आर अपॉन आर यानी मेरे पास आएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई आर स्क्वायर सॉरी आई आर अपॉन आर क्यूब और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल. बी इक्वल्स टू बी क्या आने वाला है जो चीजें हमारी कॉन्स्टेंट है उनको हमने बाहर निकाल दिया म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर क्यूब और इंटू आर और इंटीग्रेशन सिर्फ मुझे करना है डीएल का. डीएल क्योंकि सर्कुलर लेंथ है यानी सर्कमफेरेंस के इक्वल आने वाला है तो म्यू जीरो अपॉन फोर पाई इंटू आई आर और आर की स्मॉल आर की वैल्यू इस बार मैं यहां पर भर दे रहा हूं आर की वैल्यू थी कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 by 2 और क्योंकि 3 पावर ऑलरेडी टू पावर 3 by 2 और यहां पर dl मेरे पास इंटीग्रेशन के बाद निकलेगा 2 पाई कैपिटल r 2 पाई से ये 4 पाई 2 टाइम्स कटेगा और ir तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट लूप एट एन एक्सियल पॉइंट बिकम्स म्यू 0 अपॉन 2 i कैपिटल r स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3 by 2. यही है मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट. एक बार फिर इसकी डायरेक्शन हमें राइट हैंड थंब रूल फॉर सर्कुलर करंट से मिलेगी और राइट हैंड थंब रूल फॉर सर्कुलर करंट अप्लाई होगा करंट को हम फिंगर्स पे लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड हमारा स्ट्रेट स्ट्रेच थंब पे चला जाता है. नाउ स्पेशल केस, इसके स्पेशल केस और कर लेता हूं मैं. स्पेशल केस If point P lies on the center, then क्या होगा? X becomes equal to zero. जो हमारी horizontal distance थी axis पर वो x zero हो जाएगी और B center क्या आने वाला है मेरे पास? B center आएगा mu zero upon two. इंटू आई आर स्क्वायर अपॉन आर की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 बाई 2 और x ऑलरेडी मैंने कहा 0 हो चुका है 2 से 2 कटेगा तो मेरे पास आएगा म्यू 0 अपॉन 2 आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब और b सेंटर मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर दैट इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 और i अपॉन r. यही रिजल्ट हमने इससे पहले केस में फाइंड किया था. तो अगर हमें सिर्फ स्पेशल केस करना है सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो हम पहले की तरह जाएंगे, बट अगर उसने एक्सियल पॉइंट भी मांगा है और सेंटर भी मांगा है तो फिर हम इस तरह से करेंगे, दोनों अलग अलग केस नहीं करेंगे. नाउ अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग. यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ले रहे हैं फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पॉइंट ओ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है और जो मेरे पास गिवन असेंबली है वो कुछ इस तरह से है. इसने कहा कि मेरे पास एक क्यूब है जिसकी साइड है 2 मीटर, 2 मीटर की साइड का क्यूब है पी क्यू आर एस, इसके सेंटर ओ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. तो यहां पर मैं बायो सेवर्ट लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर अप्लाई करूंगा और इसके लिए मैं लिखता हूं नेट मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू क्या होगा. सबसे पहले बी पी क्यू प्लस बी आर सॉरी क्यू आर प्लस बी आर एस प्लस बी एस पी. यहां पर ध्यान देंगे मैंने ऐसा क्यों लिखा है क्योंकि मेरा करंट जो है वो स्ट्रेट जा रहा है ऊपर. तो अगर मैं इस वायर का देखता हूं सबसे पहले पी क्यू का तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आने वाला है डॉट एंड से मिलेगा. जब मैं आर का देख रहा हूं तब भी इस तरफ आएगा. करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऑल फोर मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन सेम डायरेक्शन. ये चारों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे
इसलिए मुझे यहां पर इन चारों को ऐड करना है। दूसरी चीज, क्योंकि यहां पर मेरा वायर जो है सिमेट्री में है, यहां पर लेंथ 2 मीटर है, यहां पर भी लेंथ 2 मीटर है, तो मैं किसी एक सेगमेंट को स्टडी कर लेता हूं। यहां से मैंने ओ से यहां तक देखा, पी यानी एसपी वाले की बात करता हूं मैं, ये डिस्टेंस जो जिसको हम कहते हैं एक्स, ये कितना आएगा 1 मीटर, कितना आएगा 1 मीटर, 2 मीटर लेंथ का वायर था, ये लेंथ हमारे पास 1 मीटर होगी और ये लेंथ भी मेरे पास 1 मीटर आने वाली है। तो अगर मैं देखूं tan ऑफ दिस एंगल, tan phi इक्वल टू 1/1, यानी दिस एंगल कम्स 45, क्योंकि tan phi की वैल्यू 1 होती है, तो मेरे पास ये एंगल 45 डिग्री का आ जाएगा। दूसरी तरह से अगर मैं tan phi 2 की बात करूं, तो ये एंगल मेरे पास एक बार फिर कितना आएगा 45 डिग्री, और ये डिस्टेंस पहले 1 मीटर बताई थी, तो मैं कह सकता हूं BSP, SP इक्वल्स टू होगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन एक्स, और साइन फाइ 1 प्लस साइन फाइ 2। अब देखते हैं यहां पर क्या म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू थी 10 की पावर -7, करंट आई मुझे मिल रहा है 3 एम्पियर का है, और एक्स मुझे जो बताया इसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो है 1 मीटर, क्योंकि यहां से एक्स इक्वल टू 1 मीटर मेरे पास आने वाला है, और I इक्वल टू 3 एम्पियर ऑलरेडी मुझे करंट यहां पर मिल गया। साइन 45 प्लस साइन 45, और मेरे पास 3 × 10 की पावर -7, और साइन 45 की वैल्यू थी 1/√2 प्लस 1/√2 यानी 2/√2, और आई कैन से मेरे पास जो बी एस पी आने वाला मैग्नेटिक फील्ड आएगा 3√2 × 10 की पावर -7 टेस्ला। अब क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड मेरा डॉट हेड की तरफ है, यानी इसकी डायरेक्शन है बी एस पी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 3√2 × 10⁻⁷ टेस्ला डॉट हेड। अगर मैं इस डायरेक्शन ऑफ करंट के साथ जाऊं तो ये मेरी उंगलियां बाहर की तरफ आती है, इसको डॉट हेड से कहते हैं। सिमिलरली बी पी क्यू इक्वल टू बी क्यू आर इक्वल टू बी आर एस इक्वल टू बी एस पी, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ बी एस पी, एंड दैट इज व्हाट 12√2 × 10⁻⁷ टेस्ला अपवर्ड। यही है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस करंट लूप। हमारे पास दूसरी तरह के क्वेश्चन होते हैं, कंपोजिट होते हैं, जिसमें सर्कुलर लूप भी लगेगा, जिसमें स्ट्रेट वायर का कंसेप्ट भी लगेगा, तो मिक्स कॉन्सेप्ट है। हमारे पास इस तरह का एक सेगमेंट दिया है, हमारे पास है पी क्यू आर एस टी, ये एक वायर है जिसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ये पूछता है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। अब ध्यान से देखें, अगर मैं पॉइंट ओ की बात करूं तो ये इस वायर पी क्यू और वायर एस टी की एक्सिस पर पड़ता है, तो सिंस ओ लाइज एट द एक्सिस ऑफ पी क्यू एंड एस टी, सो बी पी क्यू इक्वल्स टू 0 और बी एस टी ऑल्सो इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इन दोनों की वजह से इस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होने वाला है, यानी ओ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों वायर सेगमेंट की वजह से नहीं होगा, जस्ट वायर सेगमेंट है क्यू आर एस मैग्नेटिक फील्ड, सो बी क्यू आर एस इस सर्कुलर करंट। हमें पता है अगर सेमी सर्कल होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था म्यू 0 अपॉन 4 इंटू आई अपॉन आर। इस लूप का रेडियस मैंने 2 मीटर माना है, 2 मीटर का रेडियस है, तो यहां से क्या आएगा मेरे पास म्यू 0। अब यहां पर ध्यान रखना है म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू थी 10 की पावर -7, तो म्यू 0 की वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई
4 इंटू करंट था 2 एम्पियर का और रेडियस भी था 2 मीटर का, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो BQRS इक्वल्स टू आने वाला है मेरे पास 3.14 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7 टेस्ला। अब डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल फॉर सर्कुलर करंट के हिसाब से देखें तो करंट उंगलियों से और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड जा रहा है, तो डाउनवर्ड के लिए यूज करते हैं क्रॉस हेड। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के अंदर जाता तो हम क्रॉस हेड से दिखाते हैं, और अगर प्लेन से बाहर आता तो उसको हम डॉट हेड से दिखाते हैं। तो हमारे पास दूसरी तरह का क्वेश्चन, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल्स टू क्या आएगा, बी इक्वल्स टू आएगा बी पी क्यू प्लस बी क्यू आर एस प्लस बी एस टी। दिस वॉज जीरो, दिस वॉज 3.14 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7 टेस्ला प्लस जीरो, और सारे मैग्नेटिक फील्ड बी की बात करूं तो 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस 7 टेस्ला विद क्रॉस हेड, यानी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड है। तो दिस वे वी कैन कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लूप। तीसरी तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं आर्क वाले। एक बार फिर इन क्वेश्चन को देखते हैं। केस नंबर 3, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ बिकॉज ऑफ दिस आर्क। यहां पर एक हमारे पास कंपोजिट आर्क है, पहला आर्क पी क्यू है जिसका रेडियस है ए, फिर ये स्ट्रेट बन जाता है आर एस, फिर यहां से दूसरा आर्क की फॉर्म में मैं इस वायर को बेंड करता हूं जिसका रेडियस बनता है बी, और फिर एस पी एक स्ट्रेट वायर है। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ विल बी सम ऑफ ऑल फोर मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ आर पी क्यू क्यू आर आर एस एंड एस पी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी फॉर क्यू आर एंड फॉर एस पी, दिस पॉइंट ओ इज एन एक्सियल पॉइंट, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस टू सेगमेंट विल बी जीरो। तो इन दोनों सेगमेंट का मैग्नेटिक फील्ड तो खत्म हुआ, इनका तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता ना। फॉर आर्क पी क्यू, जब मैं आर्क पी क्यू की बात करता हूं तो कैसे हम करेंगे, हमने पता है मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं बी वन कह रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई अपॉन ए स्क्वायर, और यहां पर इंटीग्रेशन देखिए, जब मैंने सर्कल लिया तो पूरे सर्कल की लेंथ का इंटीग्रेशन मैंने डीएल किया था और वो आया था 2πr। अब क्योंकि मेरे पास पूरा सर्कल लेंथ नहीं है, इस बार मेरे पास सिर्फ एक आर्क है जिसका लेंथ पी क्यू मैंने लिया है, तो पी क्यू लेंथ को इंटीग्रेट कर रहे हैं। रेडियस इसका इस बार a था तो इसको मैंने a स्क्वायर लिया, तो म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू, अगर मैं पी क्यू का इंटीग्रेशन करूं तो दिस विल कम लेंथ पी क्यू, और पी क्यू क्या होता है आर्क इंटू एंगल, तो आर्क इक्वल होता है रेडियस इंटू एंगल, रेडियस है a और एंगल है थीटा, तो थीटा इंटू a, a से a कैंसिल होगा, तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी वन वो आएगा म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई अपॉन ए इंटू थीटा। याद रखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि मेरा जो करंट है राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ये करंट इस तरफ जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड आएगा, यानी डॉट हेड से मैंने इसको दिखाया है। जब मैं आर एस सेगमेंट की बात करता हूं तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड बी टू ऑफ दिस सेगमेंट विल बी म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई अपॉन बी, यानी इसका रेडियस और एंगल क्योंकि दोनों के लिए कॉमन है थीटा, बट ये मैग्नेटिक फील्ड डॉट हेड वाला होगा। मुझे पता है सिंस बी इज ग्रेटर देन ए, ये वेक्टर बड़ा है ये वेक्टर छोटा है, तो इसका मतलब वेक्टर बी वन जो है वेक्टर बी टू से बड़ा होने वाला है, और नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ इन दोनों का डिफरेंस मुझे मिलेगा, और डिफरेंशिएटिंग मेरे पास यहां पर अगर मैं इसकी वैल्यू रखता म्यू जीरो अपॉन फोर पाई इंटू आई थीटा वन अपॉन ए माइनस म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई थीटा अपॉन बी, ये मेरे पास आता है, और डायरेक्शन हमेशा मैं रखता हूं जो बड़ा होगा डायरेक्शन उसकी होगी, यानी डायरेक्शन आएगी डॉट हेड। अब म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई थीटा सब में कॉमन है तो मैंने बाहर निकाल लिया, मेरे पास वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी बचेगा, और ऑन सॉल्विंग मेरे पास जो बचने वाला है वो ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस वायर सेगमेंट दिस आर्क। याद रखें यहां पर करंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी, आपको इस एंगल की वैल्यू मिल सकती है,
इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है एंड यू कैन प्रोसीड फॉर द आंसर्स. तो दिस वे बायो सेवर्ट लॉ इज ऑल ओवर. अब आपको इसके क्वेश्चंस सेल्फ ट्राई करने हैं. ऑलमोस्ट हर तरह के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर प्रोटोटाइप दिखाया है कैसे सॉल्व करना है. इन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. जस्ट पे अटेंशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.